जी ने किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिया, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता संदीप दायमा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। मामला दरअसल ये हुआ कि अलवर की तिजारा विधानसभा पर एक चुनावी रैली चल रही थी, जिसके अंदर योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और तिजारा से बीजेपी के लोकल लीडर और वहां के प्रत्याशी महंत बालकनाथ भी उस रैली में मौजूद थे। उनका नॉमिनेशन फाइल किया जाने वाला था। उस रैली को संबोधित करते हुए संदीप दायमा ने कुछ विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा और मस्जिद समाज के लिए नासूर बन गए हैं, इनको उखाड़ फेंक देना चाहिए। इन बयानों के बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। गुरुद्वारा महंत कमेटी ने भी इसका विरोध किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसका विरोध किया और उसके बाद संदीप दायमा ने माफी मांगते एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गुरुद्वारा नहीं बल्कि मदरसे बोलना चाहता था। आज चुनावी भाषण में मैं मस्जिद मदरसे की जगह गुरुद्वारे साहिब के बारे में कुछ गलत शब्दों का जो प्रयोग मेरे से गलती से हुआ है, मैं पूरे सिख समाज से मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। इस बात पर भी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने विरोध किया और कहा कि यह भी एक गलत कम्युनल बयान है। अब आज राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर संदीप दायमा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। 25 नवंबर को वोटिंग होनी है और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आएंगे।